ड्रामा का एक ही बार आता है, सो वी डू विजिट इट टू एंजॉय इट बिकॉज वी आर हैविंग हॉलीडेज राइट नाउ, सो वी डू विजिट. झूला बढ़िया है, खाना भी बढ़िया है, सजावट भी बढ़िया है, आदमी बढ़िया है, यहाँ के कार्यकर्ता बढ़िया है. हाँ, एक्सपीरियंस अच्छे हैं यहाँ पे, लोग आइटम ठीक है, घूमने फिरने के लिए अच्छे हैं, बच्चों के लिए अच्छा इंतजाम है यहाँ पर, खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम है. हम तो कलकत्ते से आए हैं दिल्ली, आज दोपहर को आया है, आके देख रहे थे घूमते घूमते मेला तो सब आदमी का अच्छा लगता है. आके उधर पहले मेला देख के अच्छा लग गया, मेरे बच्चे लोग फैमिली आया है, देख के अच्छा लगा, खुश गया इधर. आई लाइक ऑल द डेकोरेशंस एंड एवरीथिंग, सो गुड, या इट फील्स लाइक होम अवे फ्रॉम होम. Yeah, this gives a Bali Jatra feel. I'm from Odisha. Yeah, we all are from Odisha. It's like there's many things, from food, games, all these, like the rides, everything is like variety of like assortment of everything, so we are enjoying over here. ये रामलीला है और यहाँ को सीखेंगे आगे. राम जी का चरित्र है जो बहुत ऊंचा चरित्र है, ऐसा हर किसी मानव को होना चाहिए. मतलब बचपन से सुन रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसी कहानी होती है, तो वो बहुत टाइम से वो फेड अवे हो जाती है, तो अब वो चीज़ें मेमोरी रिफ्रेश हो रही है, तो वी जस्ट लव टू रिफ्रेश इट. वो मैंने टेलीविजन पर देखा है, मैं गांव में था, तो अब यहाँ रामलीला मैदान में लाइव देखूंगा. आज की जो रामलीला है उस रामलीला के अंदर फिल्मी दुनिया के कलाकार रोल करते हैं. आज ही रामलीला के अंदर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आकर रोल करते हैं, तो वो जो रिकग्नाइज चेहरे हैं वो नौजवान पीढ़ी को आकर्षित करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान आकर उस रामलीला को देखती है. तो यही कारण है कि आज लीला स्थल के ऊपर भी डेली 50,000 लोग आके लीला का अवलोकन करते हैं. तीस साल पहले जो रामलीला होती थी वो बहुत छोटा स्वरूप था, जिसमें सिर्फ 500 कुर्सी लगती थी और 500 ही दर्शक या 1,000 दर्शक आते थे. कि आज रामलीला हाईटेक हो गई है, आज इंटरनेट से रामलीला देख सकते हैं, यूट्यूब से रामलीला देख सकते हैं, लाइव रामलीला देख सकते हैं, चैनल से रामलीला देख सकते हैं. तो आज के वक्त में और उस पुराने वक्त के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव रामलीलाओं के अंदर आया है.